हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज मेरे घर में कोई भी खाना वगैरह नहीं बन रहा है, सिर्फ क्लीनिंग एंड बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम है। मींस प्रोग्राम था नहीं, लेकिन बन गया। यहाँ पे मेरे हील्स वाली आपको शूज़ भी बता रही हूँ। एक टाइम था कि इतनी हील्स मैं पहन सकती थी, अब नहीं पहना जाता वर्टिगो के हिसाब से। सोचा आज क्लीनिंग लेडी आ रही है, सो उसको मैं दे दूँगी। नए के नए हैं, और क्लीनिंग लेडी एक्चुअली मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बाथरूम की क्लीनिंग के लिए ही उसे रखा है। उसका रीज़न ये है, बाकी सब तो घर की क्लीनिंग मैंने कर दी। अभी सब चीज़ें अपनी जगह पे रख रही हूँ, तो वो तो मैंने सारा कुछ कर लिया। डस्टिंग वगैरह, मॉपिंग वगैरह, यहाँ रग अभी मैंने इसे बिछाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी सी गीली है फर्श, फिर वो मोल्डिंग हो जाती है ना तुरंत की तुरंत करूँ तो। और क्लीनिंग मैंने बाथरूम के लिए इसे बहुत पहले, हम लोग ने जब ये घर लिया था ना तब रखा था, तो हम लोगों को काम वैसे भी कम पसंद आता है, लेकिन इसकी सिचुएशन ये है, फिर से ये आई थी अभी। तो इसके हस्बैंड को कैंसर है, सो सी नीड्स वर्क। सो हमने सोचा चलो यार कोई नहीं, इस तरह से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। कोई नहीं, नहीं पसंद आए तो हम फिर से इसे ऊपर से हम वाइप वगैरह कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने इसे रख लिया है कि एवरी 2 वीक्स आके ये बाथरूम्स कर लेगी, तो इसे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ऑब्वियस है, हमें भी हेल्प तो मिलेगी ही उसके सामने। क्योंकि ना यार बहुत हार्ड सिचुएशन होती है इस समय, क्योंकि ये तो एक मैक्सिकन है और बेचारी को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, सो और कहीं ये काम भी नहीं कर। अंदर नहीं आओगे हमने कहा? आओ सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई है, हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बाहर सब स्टोर पे। मने एम थे तमे अंदर आओ सो शाक लाया ओ मगस लाया ओ बाप रे ओके लव यू बेटा बाय बाय। सो एक्चुअली ना इनका सुबह मैसेज आ गया था, जब अभी जो उनके बेटे का एंगेजमेंट था ना, सो कुछ चीज़ें होती हैं क्राफ्टिंग वगैरह की, डेकोरेशन वगैरह की लेके आना, फिर होता है ना कि फंक्शन वो मोटू नहीं पूरा पड़े हो जाए तो कुछ चीज़ें यूज में ना आने, अच्छा तो कटे कर उनको वो रिटर्न करना था, कुछ चीज़ें और लेनी थी, और एक आध स्टोर आउट ऑफ बिजनेस जा रहा था। बेड बाथ एंड बियॉन्ड करके है यहाँ पे, दूध ना गैलन आवा पहला कैन मा लेन आवता लुक एट दिस अबे आ शोपीस मा मुके छे कि ना आना है करके। सो मैंने बोला चलो आज मौसमी है और उसके डैडी भी नहीं है घर पे, उनको बाहर कुछ काम के लिए जाना था, सो मुझे इतनी कुकिंग करनी नहीं थी, आगे पीछे का जो भी था वो मैं अपने लिए यूज़ करने वाली थी, तो सोचा चलो चलते हैं फिर। सो इस हिसाब से हम लोग आ गए थे यहाँ पे। ये माइकल्स क्राफ्ट स्टोर है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, जितनी भी क्राफ्टिंग की होती है, नीटिंग की होती है, जो हम वो स्क्रॉच नीटिंग कर कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत पहले किया करते थे छोटे थे तब। सो ये देखिए इस तरह की, जो ऊन वगैरह से थ्रेड से बनाए जाते हैं, सो सारी वन स्टोर में सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। सो बस यहाँ पे सब कुछ हम लोग देख रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्टोरों में हम लोग ने आज घूमा, और यहाँ पे उसी पे 60-70% ऑफ भी था कुछ चीज़ें। सोचा चलो आज मैं कोई और ज्ञान की बातें नहीं, कोई और चीज़ें नहीं। डेकोरेशन सरस कराता नहीं अंदर आपने यहाँ आया ना, मैं जा रही थी, आई मीन हम लोग जा रहे थे इस सारे स्टोर पे, तो सोचा आप लोगों को भी इस तरह से मैं दिखा दूं। तो बस इसी तरह से हम लोग निकले थे, और आगे आपने देखा एक प्लेट सी थी, हम लोग ने इनके बेटे के एंगेजमेंट के टाइम पे हम लोग ने बहुत सारी सर्चिंग की, जब हम एटलांटा गए थे साथ में तब देखा था आरती की थाली के लिए, सो हम लोग को मिला ही नहीं, और इस बार ये दिख रहा था, सो वही बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे बेड बाथ एंड बियॉन्ड में, यहाँ पे ये स्टोर क्लोज हो रहा है, सो सारी चीज़ें अराउंड 60-70% ऑफ रखी हुई थी, कुछ चीज़ें काम की थी लेकिन कुछ नहीं थी, तो मैंने उसमें से थोड़ी चीज़ें ली
जो बहुत टाइम से मुझे लेनी थी। अमेज़ोन पे एक दो बार मैंने देखा भी, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली लगी, लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छे दाम में मिल गई। वो मैं अगले व्लॉग में और हो सका तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या लेके आई। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे ओल्ड नेवी में। यहाँ पे सारे ऑलरेडी ऑलरेडी स्टोर ही हैं, घर में पहरवानी ना। सो वहाँ पे कपड़े एंड थोड़े बहुत शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे सैम्स क्लब में। इनके बेटे का स्टोर है, सो स्टोर के लिए कुछ चीज़ें लेना। यहाँ पे मैं आपको हनी बंस दिखा रही हूँ। ये इतनी ख़राब चीज़ है सच में, लेकिन यहाँ बहुत खाया जाता है। और एक टाइम ये था कि हम लोगों का स्टोर थे ना, तो जब पहले से मुझे स्वीट इतने ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सडनली मुझे स्वीट पसंद आने लग गई थी। और स्पेशल ये हनी बन स्टोर पे मैं जब अपने शिफ्ट की बारी आती थी ना, तो ये मैं पैकेट खोल के खा लेती थी। तो चेरी टमेटो योर फेवरेट। ओह नाइस। बनाना पेपर। तो जो हमारे साथ काम करते थे ना लड़के, इंडियन लड़के, तो वो बोलते थे कि भाभी आपको ना अमेरिकन की किडनी मिली है ना, इस हिसाब से आप अमेरिकन चीज़ें खाने लग गए हो। एनीवे यहाँ पे मेरी फ्रेंड, आपने देखा आगे बहुत सारे सब्जियाँ लेके आई थी, वो मैंने धो दी अच्छे से। कुछ स्वीट्स लेके आई थी मेरे लिए। यहाँ पे शाम का टाइम है, दियाबाती हो गया मेरे घर पर। और यहाँ वेदर इतना प्यारा हो रहा है, आप देखो आगे डबल छे मौसमी। डिड यू सी डबल छे कोच? या लुक आज आज छे मुट्टी एनी ऊपर जो नो कितलो मस्त लागे छे वेदर। इंडिया नी जेम बरखा खाटला नाखीन सुई जाऊ छे केम? सी सेड नो। सारा दिन इतनी गर्मी थी और शाम के समय बहुत बारिश हुई और अभी खेरी वो इतना प्यारा लग रहा था ये वेदर कि इतनी देर तक हम यहीं पे खड़े रहे। सो बस इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ इस ब्यूटीफुल से वेदर के साथ। और आप लोगों को इस छोटा सा मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।